हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? देख रहे हैं लाइफ विद बेला। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन वेजिटेबल मैक्रोनीज, और ये मैंने हल्दी नमक और डाल के मटर आलू और गाजर को बॉईल कर लिया, चिकन को भी बॉईल कर लिया, साथ प्याज भी है मैंने दो अदर, तकरीबन एक किलो के करीब होंगे, और शिमला है हमारी दो अदर, उसमें जाएगा टमाटो, केचप, विनीगर, चिली सॉस, सोया सॉस और चाट मसाला। यहाँ मैंने प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लिया, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सोते करना, और प्याज भी मैंने मोटे मोटे काटे, ज़्यादा पतले बारीक नहीं काटे। तो यहाँ मैक्रोनीज़ हमारी हैं दो पैकेट, स्पैगेटी सॉरी, तो ये दो पैकेट है, और एक कुछ को मैंने छोटा काट लिया था, कुछ को लंबा ही रखा था, तो वो भी थोड़ी सी ना सॉफ्ट हो जाएंगी तो खुद ही अंदर जाती जाएंगी। तो घर में बैठे बैठे बच्चे कह रहे थे बारिश हो रही है, ये खाना है, तो मैंने कहा चलो ये बनाते हैं। और यहाँ चिकन प्याज ब्राउन किया, और साथ ही थोड़ा सा मैंने चिकन जो उबला हुआ था उसको थोड़ा सा कलर देने के लिए, जो कि मैंने चकोर शक्ल में हर एक चीज़ काटी थी, तो उसी शेप में मैंने ये प्याज और चिकन को थोड़ा सा ब्राउन किया। तो ऑलमोस्ट ये रेडी है, और इसमें साथ ही मैंने डाल ली शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, बिल्कुल गलाना नहीं था, बस हल्का सा इसको भी मैंने समझे एक मिनट के करीब ही किया होगा, ज़्यादा नहीं था इसको मैंने किया, कि ज़्यादा करने से एक तो सॉफ्ट हो जाएगी और उसकी शक्ल चली जाएगी और अजीब सा हो जाएगा। और यहाँ सारे वेजिटेबल मैंने मिक्स कर दिए हैं, और साथ ही थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल कम लग रहा था तो दो से तीन चम्मच मैंने और डाले थे, वेजिटेबल काफ़ी हो गए थे हमारे। और इसमें मैंने डाली थी चिली सॉस, सोया सॉस और चाट मसाला। तो साथ साथ सारे काम चलते जा रहे थे, इसलिए थोड़ी सी वीडियो स्लो होती जा रही है। तो बहुत ही मज़े के बने थे, और यहाँ मैंने डाला था चाट मसाला, क्योंकि बच्चों को चाटपटा पसंद है, छोटे बच्चे तो है नहीं थे, पहले के लिए मैंने निकाल लिया था, सारे बड़े बच्चे ही थे। और यहाँ मैंने थोड़ी सी चिली सॉस भी डाली थी, बच्चे पास खड़े थे, मसूर बनाना है, स्पाइसी बनाना है, स्पाइसी तो उसी के हिसाब से हम स्पाइसी बना रहे थे। और यहाँ हमने डाला है विनीगर दो से तीन चम्मच, स्पाइसी विद कुछ खट्टा मीठा, इस तरह का फ्लेवर हमें चाहिए था, ये नहीं बिल्कुल फीके चाहिए थे। तो बहुत ही मज़े के बने थे, बच्चों ने खाए थे, सब ने इंजॉय किया, साथ हमने कोकी और ब्लैक पेपर पूरा एक पैकेट जो पाकिस्तान में पैकेट बना मिलता है सबको पता है, वो मैंने ऐड किया था, कि हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसी चाह रहा था, लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा थी और स्पैगेटी भी बहुत ज़्यादा थी, दो पैकेट थे, तो इसलिए वो स्पाइसी हो नहीं था रहा जब हमने मिक्स किया। तो उसके बाद मिक्स करने के बाद भी हमने काफ़ी चीज़ें ऐड की थी ताकि ये स्पाइसी हो जाए। तो बाहर घर में रहते हुए आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, बाज़ार का होता है, आपको नहीं पता क्या किया हुआ है क्या नहीं, तो घर में तो इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड करे, कम करे ज़्यादा करे तो वो कर सकता है। और टमाटर मैंने डाले थे एंड पे, क्योंकि टमाटर की भी मुझे बिल्कुल गला हुआ नहीं था चाहिए, सॉफ्ट सा चाहिए था बस। ये मैं थोड़ा सा धनिया डाला था जो कि मैंने बारीक काट के दो के रख लिया हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया था। तो साथ हमने रोटी के साथ भी ये खा लिया, पकाते पकाते ये भुजिया बन गई थी एक टाइप की, तो हमने वो भी खा लिया, तो मैंने कहा ये भी सही हो गया। और यहाँ नमक ऐड किया था हमने दो से तीन चम्मच, चम्मच भी छोटे छोटे थे, चम्मच इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे, जिस वजह से हमें दो से तीन चम्मच। और यहाँ का नमक भी कुछ अच्छा नहीं है कि मतलब थोड़ा भी डालें तो कहाँ ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा डालना पड़ गया था हमें। तो ऑलमोस्ट हमारी ये स्पैगेटीज रेडी हो गई हैं, मैक्रोनीज, क्या आप जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, ऑलमोस्ट रेडी है। हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि फ्लेवर कैसा है, और हमें लास्ट पे लगा कि केचप कम है, तो हमने फिर और डाल दी इसके अंदर, टमाटो केचप हमने मिक्स किया था ताकि थोड़ी ग्रेवी सी हो, सूखे सूखे ना हो, सूखे मज़ा नहीं आता, थोड़े गीले गीले हों तो तभी वो नमी वाले हों तभी मज़ा आता है। तो यहाँ हमने इसको कर दिया मिक्स ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और मज़ेदार सी एक ग्रेवी रेडी हो जाए जो कि हम बाद में खाएंगे। ये देखिए हमने रेडी कर लिए थे इनको, मैंने धो के ठंडे पानी से ऊपर से पानी डाला था, रेडी कर लिए थे, और बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मसाला हमें हमारा कम लग रहा था, लेकिन ये कि जब हमने सारे मिक्स किए, केचप वगैरह और डाली तो मज़े के बन गए थे।
तो आप भी बना के खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी सिंपल सी घरेलू सी रेसिपी कैसे लगी। बिल्कुल सिंपल सी है, घर में हर चीज़ मौजूद होती है तो बंदा आराम से बना सकता है। तो आप भी खाइएगा और बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तो खुश रहिए, खुश रखिए, ठंडा मौसम है, अपने आप को सेफ रखिए और अच्छा अच्छा खाना बना के बारिश के मौसम में इंजॉय कीजिए। और ये हमारी तो बहुत मज़े की बनी थी और हमने बहुत ही इंजॉय किया और ये है इसकी फाइनल लुक, और ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। चलिए मिलते हैं किसी और व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, सत श्री अकाल। मैं हर एक का बोलती हूँ क्योंकि इंडियन फ्रेंड्स भी होते हैं तो हर कोई फ्रेंड होता है तो फिर उनके हिसाब से भी हमें करना पड़ता है। चले मिलते हैं किसी और व्लॉग में, थैंक यू।